नोएडा में रोड रेज की वारदात सामने आई है। एक युवक की कार में स्क्रैच लगने के बाद हुए विवाद में एक कार सवार ने दूसरे सवार युवक को रौंदते हुए जान से मारने की कोशिश की। ये घटना नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी चालक ने अचानक कार को बैक किया और युवक को रौंदते हुए निकल गया। घटना में 26 साल के दिवाकर मोटवानी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। फिलहाल दिवाकर कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है जहां वो अपनी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। वहीं मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि I-20 कार पहले बैक होती है और फिर सामने खड़े शख्स को रौंदती हुई मौके से फरार हो जाती है। दरअसल ये वीडियो शुक्रवार की रात 1:30 बजे के आसपास का है। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास वेन्यू कार में स्क्रैच लगने को लेकर नोएडा सेक्टर के 18 में कारोबार करने वाले दिवाकर मोटवानी का एक्सप्रेसवे पर दूसरी कार में बैठे 5 युवकों से विवाद हो गया। वहीं घटना के बाद आपस में झगड़ा होने लगा और तभी नवीन अवाना अपने साथियों के साथ दिवाकर मोटवानी को टक्कर मारते हुए रौंदते हुए भाग निकला। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद किया। वहीं पुलिस के मुताबिक युवक नामी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बताए जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और 5वें की तलाश जारी है। मार दिया उसे।